गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स सुबह का बज रहा है 11 और आज हम लोग बहुत ज़्यादा काफ़ी लेट हो गए नाश्ता करने में क्योंकि मैं बिग बॉस देखने लगी थी। और अब फ्रेंड कौन देख रहा है मोबाइल देख के इसको नाश्ता कराना है, ये भी लेट हो गए मेरी वजह से। और आज है संडे तो संडे स्पेशल होने वाला है, आज हमारे यहाँ बनेगी इडली। बिहान देखो फटाफट फिनिश करो है, आपका मोबाइल देखने से वो नहीं हो जाएगा, टाइम नहीं बढ़ जाएगा कि आप मुँह में भरे रहोगे। दिखाओ आ करो, अच्छा बनाए बोलो ना, अच्छा बनाए कि नहीं। अभी मैंने बनाया सुबह के नाश्ते में कॉर्न की चाट और दोपहर में बनेगी अभी इडली। आज क्या कर क्या रहे हो, इतना बड़ा टायर क्यों उठा रहे हो, ज़्यादा बॉडी बन गई क्या, पीछे चले जाओगे। ये इतना सारा फैलाया है इस विहान ने, खेलता नहीं जितने का, ये सब इसका कबाड़ है। ये सारे टॉयज इसके फेंकने थे बट इसने फेंकने नहीं दिया है, इसको कबाड़ में बेचने वाले हैं जल्दी। बयान को मिलेगा 10 रुपये इसका, ठीक है, इसके बदले सब आपको 10 रुपये 10 ही रुपये का जाएगा बेटा, इससे ऊपर सब बेच देंगे अपन, बेकार है ना, टूट गया है सब। ये टूटा है ना, हाँ इसको कबाड़ को बेच जाना, हाँ कबाड़ में बेच देंगे, निकाले ही थे आपने, बेचने ही नहीं दिए। अब हो जाएगा ना क्या, कबाड़ को दे देंगे, ठीक है। तो अभी से जल्दी साफ समेट दो जैसे आपने फैलाया, ओके, नहीं तो मैं आपको मार भी सकती हूँ, आपको तो ये बात पता ही होगी है ना। हाँ नहीं पता, बता कैसे मारते हो, अच्छा देखो तेज धूप आई, अब भी जस्ट बारिश थी अब तेज धूप आ गई, धूप के साथ बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला हो गया है। और जल्दी से आपको तैयार होना है, स्कूल जाना है क्योंकि, हट मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ, जाना है सही में, पढ़ाई नहीं करना लेकिन स्कूल जाना है, ठीक है, पढ़ाई के नाम से इतना डरते क्यों। अभी बज रहा है 11:30 सुबह का और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, आज हम लोग को जाना है पेरेंट्स मीटिंग में, विहान के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। आपको मेरे सवालों का सही सही जवाब देना पड़ेगा तब आपको मिलेगी एक डेयरी मिल्क। आपको स्कूल जाने से डर क्यों लगता है, पढ़ाई करने से डर क्यों लगता है, नहीं लगता, नहीं लगता। ओए भाई और रोए अब तो नहीं, पढ़ाई करने से डर नहीं लगता, नहीं। ए बनाने से डर नहीं लगता, बी बनाने से डर नहीं लगता, नहीं। पक्का पक्का, चलो तो आपको मिलती है आधी से आधी डेयरी मिल्क, नहीं बड़ी बड़ी नहीं, आधी मिलेगी ढंग से। आज है पेरेंट्स मीटिंग तो मैं तैयार हो गई हूँ मीटिंग में जाने के लिए, बट पानी इतना ज़्यादा गिरा था कि मुझे रास्ते में ही रुकना पड़ गया, वेट करना पड़ गया, जैसे ही पानी बंद होता है तो फिर मैं निकलूँगी यहाँ से स्कूल के लिए। इसमें हम ये सिखाते हैं जिसमें जैसे किसी बच्चे का नाम दक्ष है फॉर एग्जाम्पल, सो हिज नेम इज दक्ष, हिज नेम इज दक्ष, ही इज इन सीनियर केजी, हिज नेम इज दक्ष, सो एवरीबडी एल्स इज पॉइंटिंग टू दक्ष, जितने बच्चे होंगे क्लास में, एंड दक्ष इज सेज हियर आई एम, तो इस तरीके से दक्ष अपना नाम भी पहचान रहा है और बाकी बच्चे भी दक्ष को पहचान रहे हैं और उसके नाम को पहचान रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, फ्रेंडशिप, टीम वर्क, ग्रुप प्लेइंग। फ्रेंड्स मैं मीटिंग से आ गई हूँ, वहाँ पे मैं मोबाइल से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि अब मैं विहान की मदर थी तो अच्छा ही लगता कि अगर मैं ही ज़्यादा मोबाइल चलाऊँगी तो मैं उसके क्या सिखाऊँगी, इसलिए कहीं ऐसा सोचे ना लोग, इस वजह से मैंने वहाँ पर वीडियो नहीं बनाया। अब घर आ गई हूँ वापस मीटिंग अटैम्प करके और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी हो रही थी इसलिए मैंने ज़्यादा बाहर मोबाइल नहीं निकाला क्योंकि मेरा मोबाइल वाटरप्रूफ तो था नहीं। तो फ्रेंड्स अभी विहान सो रहा है, मुझे लग रही थी अभी फ़िलहाल बहुत ज़ोरों से भूख, मैं काफ़ी देर मीटिंग चली विहान की और मैं जल्दी जल्दी खाना ज़्यादा जल्दी खा कर नहीं गई थी ज़्यादा सा, तो अब मैं खा रही हूँ इडली, मैं बना के गई थी, ठंडी भी हो गई है तो मैंने गर्म भी नहीं किया, मुझे बहुत ज़्यादा लेजीनेस आ रहा है क्योंकि पहले मैं कुछ खा लेती हूँ उसके बाद विहान सो रहा है उसको जगाती हूँ क्योंकि उसके लिए मैं कुछ लेकर आई हूँ। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं वो हमेशा पूछता है मम्मा क्या लेके आए, और ये जाएंगे तो इनसे पूछेगा पापा क्या लेके आए, हम लोग को लेकर आना पड़ता, नहीं तो वो रोने लगता है, जब सोकर उठ जाएगा तो उसको दूंगी सरप्राइज। फिलहाल मैं खा लेती हूँ इडली। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे।